नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है यूएनएन मीडिया पे। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे रही हूँ कि होली मिलन समारोह चल रहा है, इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं। करण जी, आपका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे। धन्यवाद। और यूएनएन मीडिया के सारे दर्शकों को करण पांडे और करण पांडे के पूरे भोजपुरी परिवार की तरफ से यूएनएन मीडिया के सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, वैसे देखा जाए तो रात के 8:30 बज रहा है और करण जी की होली खत्म नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? 9 बज गया और करण जी अभी भी फुल ऑन होली के मूड में है। और देख के होली की ये तो शुरुआत है, होली में टाइम नहीं होता है। ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की व्यस्तता के कारण अब हम लोग 2-4 दिन 5 दिन वाली होली होती, पहले तो 15-15 दिन पहले से होली की तैयारी शुरू हो जाती थी और जब तक होली नहीं ख़त्म होती तब तक होली चलती रहती है। आपको देख के लग रहा है कि सबसे ज़्यादा होली किसने खेली, तो आपने आई थिंक शर्ट भी, बालों में भी कलर। अब ये खुद से तो लगाया नहीं, लोगों ने होली खेली है, लोगों को मेरे साथ होली खेलना पसंद है इसलिए खेलते हैं। कुछ लोगों को शिकायत भी है कि जबरदस्ती करण जी कलर डाल के जा रहे हैं। तो होली है, होली में पूरा न मानो होली है, न मानो होली है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं कि इस होली क्या स्पेशल करने वाले हैं, कुछ अलग हमें। इस होली का स्पेशल ये है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे मेरे पर्सनल पे कि जो कई सालों से हमारे दोस्त या कहीं शिफ्ट हो गए थे, तो इस होली पे हम लोग एक गेट टुगेदर करने का प्लान है। सब लोग मिलेंगे, होली खेलेंगे, खाना वाना खाएंगे अच्छे से जो पहले हम लोग होली किया करते थे, अब इस बार प्लान है। आई थिंक हमारे देश में फेस्टिवल होते ही इसलिए है कि जो दूर है उनसे एक बार मुलाकात हो, और आई थिंक उसको फॉलो कर रहे हैं। फैमिली का क्या टाइम देने का सोचा है? फैमिली को पूरा टाइम, मैंने बोला ना फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स से जो गेट टुगेदर करने का प्लान कर रहे हैं। कि हम कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग होली दिवाली, हमारी लाइफ एक्टरों की ऐसी है कि होली दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हम लोग कहाँ हैं हमको ही नहीं पता। फिर बाद में इस बार अगर हम हैं तो प्लान किए हैं बिफोर कि सबको एक साथ एकजुट करें और अच्छी होली का प्लान। क्या बात है, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी इस बार होली के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लोर हैं। ऑन द फ्लोर में अभी तो मेरी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी फिल्म में गबरू आ रही है, और उसके बाद नरसिम्हा आ रही है, और मेरी एक मराठी वेब सीरीज की हुई होगी आ रही है। क्या बात है भाई, तड़का लगने वाला है इस साल, क्योंकि तीनों नाम से ही लग रहा है, नरसिम्हा एंड गबरू। गबरू की शूटिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी और आई थिंक बीच में रुक गई थी। नहीं, शूटिंग नहीं रुकी थी, तो उसका शेड्यूल हुआ था, रुकी नहीं थी। शेड्यूल की लोकेशन, अभी जैसे हम वहाँ शूट कर रहे हैं तो हमको लोकेशन दूसरी जगह करना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट अब हो गया है। डबिंग वबिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है और जल्दी गबरू आएगा। मोस्ट अवेटिंग फिल्म है, मैं भी एक्साइटिंग हूं गबरू के लिए। यस यस ओके, एंड में मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कुछ कहें और यूएनएन मीडिया की तरफ से आपको हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच। और मैं यूएनएन मीडिया के सारे दर्शकों से एक अनुरोध, एक आग्रह करना चाहता हूं कि होली खेलें, साफ होली खेलें, स्वस्थ होली खेलें, सुरक्षित खेलें, अच्छे से खेलें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।